Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अजय भाई, हम बॉक्सेस टिक करने की बात करते हैं. इंग्लैंड की अगर हम बात करें, ऑल थ्री गेम्स बड़े अच्छे अच्छे तरीके से जीते हैं, लेकिन तीनों मुकाबलों में उन्होंने कभी टोटल सेट नहीं किया है. आज टॉस हो गया, श्रीलंका ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कंडीशंस अलग हैं जहां से आपने पहले बल्लेबाजी करी है. तो सबसे ज्यादा मजेदार बात तो ये होगा कि इनकी जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है इंग्लैंड की, किस तरीके से अप्रोच करेगी आज. आई थिंक अप्रोच इस इंग्लैंड टीम ने हमें दिखाया है पिछले कुछ सालों में कि इन्होंने एक अपना अंदाज बनाया है, तरीका बनाया है, और उस तरह से अपनी यू नो टीम भी बनाते हैं. जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनर तो आते हैं, वो ताबड़तोड़ तो खेलते ही खेलते हैं. ऐसा नहीं है ना कि तीन नंबर पे जो आने वाला है वो कम ताबड़तोड़ है, वो भी ताबड़तोड़ है. फिर चार नंबर वाला भी ताबड़तोड़ है. तो वहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ टीम बनाई हुई है. वो बदलते नहीं है बहुत ज्यादा अपना अंदाज. लेकिन ये बात पक्की है, अभी आशु ने जैसे कहा कि वो जो विकेट्स हैं अबुधाबी और दुबई की, और इसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिला है. हालांकि ये बेहतर होती जा रही है. तो अप्रोच तो वही रहेगी अग्रेसिव, यू नो के यू नो आपको अटैक करते हुए ही आएंगे. बट जो शॉट्स लगाते होते हैं ना आप, तो वो बदलते चले जाते हैं. जैसे वहां पे अगर है कि यू नो कट शॉट आपने कहीं देखे कि यू नो ऊपर से जाते हैं, पॉइंट के ऊपर से लेंथ जब डालते हैं गेंदबाज, तो आप उनको मिड विकेट पे मारते हैं. यहाँ थोड़ा यू नो सामने की तरफ चलना होगा. तो जेसन रॉय आज शायद अलग यू नो कुछ शॉट खेलने की कोशिश करें, या बटलर कुछ थोड़ा चेंज करें. बट अप्रोच ये है कि गेम चेंज होगी, ये कि यहाँ जो एरियाज पिक कर रहे हैं वो डिफरेंट है. बट ये नहीं चेंज होगा कि यार यहाँ मारना नहीं है, या हमने संभल के खेलना है, विकेट हाथ में रखनी है, या कोई नई रणनीति लेके आ जाएंगे. अब रणनीति सेम रहेगी. हाँ, मतलब अप्रोच को अगर रणनीति बोलते हैं, क्योंकि यू नो आजकल क्रिकेट के टर्म्स में भी ना बड़ा कॉमन यूज होने लगा है, तो मैं तो मानता हूं कि अभी भी अग्रेसिव ही देखेंगे आप इंग्लैंड को. और आज क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये देखना होगा कि जो अग्रेसिवनेस है जो हमने पिछले दो मैच में उनके विरुद्ध उनकी तरफ से देखी है, एक इंग्लैंड के विरुद्ध छोटा टोटल था, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध छोटा था, तो कहीं पे भी वो रुकते नहीं गए. यू नो 55-60 के करीब जाके रुकते हैं पावर प्ले में, और 10 ओवर में वो 100 के करीब रहते. यहां पे शायद वो अलग हो जाए, क्योंकि अब क्या है कि पता नहीं है कितना बनाना है, और पूरे 20 ओवर वो मेंटेन करके रखना है. तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा. वो आंकड़ों में होता है ना, तो वो 10 पर ओवर की जगह 8.69 पर ओवर के आसपास, मतलब इतना ही फर्क है आंकड़ों में, लेकिन वो विकेट की वजह से. शो में हो गए 7 मिनट और आंकड़ों की यहाँ पे हो गई है बात. सर, ताबड़तोड़ 11 पर एक नजर यहाँ पे डाल लेते हैं आशु भाई. क्योंकि सर ने बड़ी बात अच्छी बोली कि अग्रेसिव अप्रोच होगा, लेकिन शॉट्स शायद आपको थोड़े बदलने पड़ेंगे. सो जो जिम्मा इन अ सेंस, जेसन रॉय, जॉस बटलर, डेविड मलान, आपको लगता है इज बेस्ट सूटेड फॉर अ विकेट लाइक दिस, क्योंकि शायद आपको उस किस्म की पारी भी खेलनी पड़ेगी. देखिए, डेविड मलान इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि अगर आप पिछले T20 में जो आपने अभी आंकड़ों की बात करी, आंकड़ों में तो सबसे ऊपर है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं शायद, और कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में भी, तो उनके पास भी अभी अनुभव है और हमने उनको देखा है अच्छी पारियां खेलते हुए. देखिए, इंग्लैंड की पूरी टीम की जब आप बात करते हैं ना, जो ताबड़तोड़ 11 की आप बात कर रहे हो कि सब पे दबदबा बनाया हुआ है, वो दूसरी टीम पे दबदबा बनाने से पहले ना आपको अपने ऊपर दबाव बनाना पड़ता है कि आप दूसरी टीम पे प्रेशर जो डाल रहे हैं, क्योंकि आप उतने अच्छे हैं तभी इतने दबाव उन पे डाल रहे हैं और इतने बड़े मार्जिन से आप जीत रहे हैं. तो जैसे अभी आपने डेविड मिलान की बात करी, और कोई भी नीचे आप देख लीजिए, नंबर 8-9 पर भी क्रिस जॉर्डन है जो बल्लेबाजी का दमखम रखते हैं. और पहले भी हमने चर्चा करी है कि अभी तो बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर नहीं है, कि इस टीम में अगर बेन स्टोक्स और टाइमल मिल्स की जगह जोफ्रा आर्चर हो, तो हर टीम को 50 ओवर की आप बात कर लें, T20 की बात कर लें, इनके खिलाफ खेलते हुए ना दबाव तो जरूर महसूस होगा. पर ऐसी टीम के खिलाफ आप तभी अच्छा खेल सकते हैं, जो आप जैसे कल विराट कोहली की मैंने एक चीज सुनी ना कि इंडियन टीम वर नॉट ब्रेव इनफ, तो इनके खिलाफ तो आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आप ब्रेव खेल दिखाएंगे.